होटल वाले आए थे अभी और बोले थे सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट चाहिए। देख सकते हैं आप कितना गाइस, ये भैया अलग से सीख के हुए हैं, मजेदार उन्होंने रोल कर दिया और ये बन गया लाइव कॉल। इसके मैंने पहुंच गया, बहुत ही टेस्टी इंट्री यहाँ से होती है, कितना बढ़िया बना रखा है ये। बता रही है हम लोग वेट खड़े हैं इसके गेट पर, बना था गेट पर। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम कुछ आ रहा है उसको लेने जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। और केवाईसी हम थोड़ी करेंगे, केवाईसी बता रही हूँ मैं। मेरी केवाईसी कैसे होती है? एयरटेल एक्सिस बैंकिंग अभी हो जाएगी। ठीक ठीक गाइज चलते हैं। नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा अकाउंट हो जाएगा, मुझे कोई यूज नहीं है अकाउंट का, मेरे पास ऑलरेडी दो अकाउंट है। हाँ जी, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में क्या है जो अभी आए थे? कल आए थे अभी और केवाईसी करने आए थे, मुझसे बोले थे सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट चाहिए। तो मैंने कि ठीक है आ जाओ, और मेरे बताने पे भी कि मेरे पास पहले से ही दो अकाउंट है, तो मैं तीसरा क्यों ऑपरेट करूँ? नहीं, इससे पहले ऐप से अप्लाई किया था, वो किस तरीके से अप्लाई करूँ? गूगल पे पे मैंने जब मैं अपना यूपीआई से बैलेंस चेक कर रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट आ रहा था स्पॉन्सर्ड करके कि क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें। स्पॉन्सर्ड था वो, कोटक की तरफ से ही था, मतलब जेन्युइन बंदे की तरफ से था वो एडवर्टाइजमेंट। मैंने क्लिक किया वहाँ पे, वो मुझे अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस बिना बताए अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस करने लगा, ना कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए था। ठीक है, मतलब अप्लाई क्रेडिट कार्ड करवा रहा था और खोल अकाउंट आ था, खोल अकाउंट दिया और फिर अकाउंट खोलने के बाद ये बता रहे हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई ही नहीं हो सकता। हाँ, क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं हो सकता है, वो अलग बात है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है हमारे क्रेडिट स्कोर पे। लेकिन जब मैं पहले से बोल रहा हूँ कि मुझे अकाउंट की नीड नहीं है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की कोई स्कीम है तो मुझे इसकी नीड है, तो आप अकाउंट खोल दो। तो उसके बावजूद भी बंदा आता है घर पे और मेरी केवाईसी करता है और उसके बाद बताता है, ये तो वो बिना केवाईसी करे ही मेरे बता सकता है, मेरा क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है जब मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो गाइस कोटक महिंद्रा बैंक में आप ये सोचिए अकाउंट खुलवाने के लिए ये लोग पहले क्रेडिट कार्ड का बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा रहे हैं और अकाउंट ओपन कर दे रहे हैं उसके बारे में, और फिर अकाउंट ओपन करने के बाद आपका सिविल चेक करते हैं और ट्रांजेक्शन चेक करते हैं और कहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं हो सकता। तो गाइस ये पता नहीं क्या अपने अकाउंट ओपन करवाने, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बस ये रीजन है क्योंकि मार्च में होती क्लोजिंग, 30 मार्च से पहले इन लोग को अपना सब क्लोज करना होता है, डेटा आरबीआई को भेजना होता है, ईयरली डेटा क्लोज करना होता है, तो उसी वजह से ये लोग अकाउंट खोलने के लिए घूम रहे हैं इस समय। जबकि मैंने बोल दिया कि ऑलरेडी मेरे पास दो अकाउंट है पहले से और क्रेडिट कार्ड में यूज कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अकाउंट खोलने आ गए घर तक, जबकि फोन पे कंफर्म हो सकती थी। कोटक महिंद्रा बैंक अपने अकाउंट खुलवाने के लिए किस हद तक भी जा रही है। आ चुके हैं लेफियर लॉन में और चलते हैं अंदर, यह है यूनिवर्सिटी के पास में, फाउंटेन लगा स्टार्टिंग में और हम वहाँ पे आए गाड़ी खड़ी करके अपनी, और अंदर है गणेश जी की प्रतिमा। जय गणेश जी महाराज। गाइस घुसते ही फाउंटेन अंदर, गाइस मेफियर लॉन सेल्फी पॉइंट, अभी हम यहाँ पे सेल्फी भी लेंगे। यक्षु पी गए हैं, यक्षु अच्छा है पी लो चलो। ये है बारबेक्यू और इसमें लगे हैं चाप और पनीर और बहुत ही टेस्टी है गाइस, मजा आ गया। देख सकते हैं आप कितना तेज है, कंपनियों ने डिफरेंट डिफरेंट लगा रखे हैं चाप पनीर एंड सो ऑन, और देख सकते हैं आप लाइन कितनी यहाँ पर। गाइस ये भैया अलग से सीख के हैं, मजेदार। आहा चु, क्या खा रहा आप, क्या खा रहा? आहा बिकुट 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 है बिकुट नहीं होती है ना। गाइस ये आ गए हैं चाप गर्मा गर्म, जैसे कि अभी मैंने आपको बनती हुई दिखाई थे। आहा बहुत ही टेस्टी चाप। अभी ये कैसा है चाप आप? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, टेस्टी मजा आ गया। हाँ कैसे कैसे बता नहीं सकते, इतना टेस्टी है कि इसे ज्यादा भी खा लो तभी पता नहीं, मतलब मजा आ गया पार्टी में, मतलब हर चीज टेस्टी है। अभी तो ये चाप ही टेस्ट करें और क्या टेस्टी है, तो खाना भी अच्छा ही होगा। चलो देखते हैं, ये तो पता नहीं किसके पे, ये क्या है यक्षु, क्या लिया है? लॉलीपॉप। कह रहे लॉलीपॉप ले आया, अंगूर खा रहा है। यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, देख सकते हैं आप, और म्यूजिक स्लो म्यूजिक में बज रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उदय मजा आ रहा है? नहीं आ रहा उदय को, मजा ही नहीं आ रहा, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ का। अरे चाप तो थोड़ा नहीं जा रहा है। गाइस वीडियो शूट हो रही है और है नम्रता कैटर्स, बहुत ही अच्छा कैटर्स है गाइस, जो भी है नम्रता कैटर्स यहाँ का। और ये सर ले आए हैं दही बड़ा, दही भल्ला, दही भल्ला ये, हाँ बड़ा सॉफ्ट है ये तो तब दही। गाइस बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। यक्षु जाना है दीपक के स्टॉल पर, यक्षु खानी है दीपक के स्टॉल। सामने लगा है
लीजिए, बहुत ही मस्त मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स भैया आइसक्रीम का कोन बना रहे हैं, देख सकते हैं आप मशीन के अंदर, इस पर हमने रोल कर दिया और ये बन गया लाइव कोन। वाह बहुत अच्छा बना रहे हैं गाइस, बिल्कुल फ्रेश कोन बना रहे हैं। ये भैया बैटर क्रीम का ही होता है, क्या होता है ये? रेडीमेड पाउडर आता है। अच्छा अच्छा रेडीमेड पाउडर होता है, तो गाइस रेडीमेड पाउडर है जिसका ये बना रहे हैं। गाइस बना दिया और थोड़ी देर के अंदर ही तैयार हो गया ये। वाह आपको बिल्कुल ताजी आपके सामने कोन बना के दिया जा रहा है और आइसक्रीम इसमें भरवा सकते हैं आप। गाना बज रहा है दम का, रोटियाँ सिकने की लड़ा लड़का खाना खाते हैं सिटिंग में, यहाँ पर खा लेते हैं खाना, डिनर कर लेते हैं गाइस। तो गाइस खाने की प्लेट आ चुकी है, जिस कितने सारे लोग बैठे हैं सिटिंग में, गाइस खाना खा लेते हैं हम भी। गाइस दीपक की आइसक्रीम में तो मज़ा आ गया, बहुत ही जानदार और इतने सारे फ्लेवर आइसक्रीम में, इतने सारे फ्लेवर लगा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। ये ब्लूबेरी डाल के आइसक्रीम को, वाह क्या हुआ बढ़िया बहुत है। हाँ बिल्कुल ताज़ी बनूंगा है गाइस, ये ना ताज़ी है ये तो। गाइस ये बिल्कुल ताज़ी कोन बना के दिया, इसका आइसक्रीम बना के दी, मज़ा आ गया। गाइस जेट्स की आइसक्रीम मैंने पहुँच गया, बहुत ही टेस्टी, वाह ने ले भी गाइस। मेफेयर लॉन की एंट्री यहाँ से होती है, कितना बढ़िया बना रखा है ये। गाइस यहाँ से हम एंटर हुए थे, गाइस बारात आ रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं, फाउंटेन चल रहा है लगातार, पानी आ गया गाइस। इस टाइम रात के बज रहे हैं 11, पानी बरस रहा है गाइस और हम खड़े हैं इसके गेट पर। गाइस सर जी गए लेकिन गाइस ये है एंट्री वहाँ की, गाइस बारात आ चुकी है गेट पर, चलते हैं बाहर की तरफ और आपको आई चाहिए। पानी बरसने लगता है, पानी बरसने लगा है तो चलते हैं गाइस यहाँ से मेफेयर लॉन से, रोड बनी हुई है गाइस, चलते हैं हम मेफेयर लॉन से, गाड़ी उठाते हैं यहाँ से, रात के बज गए 11, बहुत ही मजा आ गया गाइस, बहुत ही हमारे घर से ये बहुत ही दूर लगता है, लगभग यूनिवर्सिटी की तरफ लगता है, बट लगता बहुत अच्छा है गाइस यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल खाली हो गया, चलते हैं गाइस अब। गाइस इसके पीछे गाइस मज़ा आ गया, गाइस पार्टी में और यक्षी कर रहे हैं मस्ती और कर रहे हैं डांस। ओ यक्षी ओ यक्षी बहुत मज़े ले रहा है, चलो भी चलो भाई चले चलते हैं क्या। मनु का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस बारबी क्यू है, मजा आ गया बारबी क्यू में गाइस। तो गाइस है बारात और इधर से सुपर चलो 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 च